ये हाईएस्ट कैंपिंग कार में, क्योंकि बाहर से इसकी कोई लुक कैंपिंग जैसी लगती नहीं है। साइज इसका देखें कितना बड़ा है, मुझे यकीन है कि जल्दी इसे अंदर देखना चाहेंगे। देखें इसके अंदर ये सोफा बेड चीजें लगी हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप खोलते हैं और देखते हैं किस तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर। और नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैं आपको दिखाया था हाईएस्ट का समंदर, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा उसमें से एक गाड़ी पिक करके, और वो गाड़ी जो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई है, मैं आपको दिखाना भी चाहता था, और उसकी जापान की प्राइस भी मैं आपको बताऊँगा। और वो गाड़ी देखना शुरू करते हैं। ये देखें मेरे साथ ही खड़ी है नाज़रीन, ये हाईएस्ट और वो भी कैंपिंग कार में। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं वाजिया करना चाहता हूँ, जापान में चाहे वो ट्रक हो या वैन हो, कोई भी गाड़ी हो जिसमें आप स्टे कर सकते हैं, उसे कैंपिंग कार ही कहा जाता है। इसलिए मैं अपनी वीडियो में कैंपिंग कार का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो मेरा भी ड्रीम है कि मैं कैंपिंग कार लूँ, और ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त थी, मुझे नज़र आई, तो मैं सोचा कि आपको मैं दिखा दूँ, और इसकी प्राइस मैं आपको जापान की बता दूँ। तो इस गाड़ी को आज पिक करके देखना शुरू करते हैं नाज़रीन। ये हाईएस्ट हाई रूफ में है, और ये कैंपिंग कार के तौर पे बनाई गई हुई है। इसके अंदर से मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, तो आप अंदर से देखिए यकीनन हैरान होंगे, क्योंकि बाहर से इसकी कोई लुक कैंपिंग जैसी लगती नहीं है, बिल्कुल एक आम एक हाईएस्ट है। और नज़र भी इतनी नहीं पड़ रही अंदर, क्योंकि ब्लैक शीशे हैं। तो आप मुझे यकीन है कि जल्दी इसे अंदर देखना चाहेंगे, लेकिन हम पहले बाहर से इसकी लुक एक देख लेते हैं। ये 2018 का मॉडल है, पाकिस्तान में भी इंपोर्ट हो सकता है अगर करना चाहें तो। और इस गाड़ी की डिटेल में आपको वीडियो के दरमियान में बताऊंगा, तो मेरी वीडियो भी जरूर आगे तक देखते रहें। यह है इसकी बाहर से लुक, लाइट सीखें बहुत खूबसूरत है, इसकी फ्रंट लाइट, हेड लाइट जो सी है, फिर इसकी फॉग लैंप। तो ये है इसकी बाहर से शेप, दो ह्यूज वाइपर आते हैं इसके अंदर, और स्क्रीन ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये स्क्रीन देखें थोड़ी सी टेढ़ी है। तो यहाँ पे पेट्रोल डालते हैं, और इसका स्लाइड डोर बहुत ही ह्यूज है, साइज इसका देखें कितना बड़ा है, और बहुत बड़ी गाड़ी है। इसका टायर 15 इंच है। ये है नाज़रीन बैक से इसकी लुक, और अब देखना शुरू करते हैं इस कार को अंदर से। सबसे पहले तो मैं आपको ड्राइविंग सीट दिखाता हूँ। तो ये है इसकी लुक अंदर से, ये है इसकी सीट, ड्राइविंग सीट। तो इसमें बैठ के अब देखते हैं नाज़रीन, ये है इसका स्टेयरिंग, जहाँ पे कोई बटन नहीं, बड़ा सिंपल सा स्टेयरिंग है इसका, लेकिन साइज इसका अच्छा है, बड़ा है। ये है इसकी शिफ्ट, और साथ ये है एसी कंट्रोल करने के लिए। तो इस कार के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बहुत सिंपल और डिसेंट सी कार ये बनाई हुई है। यहाँ पे सामान रखने की जगह है, फिर यहाँ पे आर्म रेस्ट, और आर्म रेस्ट के अंदर भी थोड़ा सा सामान रखने की जगह है। आर्म रेस्ट भी देखें प्लास्टिक में बनाया गया हुआ है, यहाँ पे भी सामान रखने की जगह है। फिर दो ड्रिंक्स आप रख सकते हैं। ये है इसका मीटर। और अब इस कार की मैं ऑक्शन शीट आपको दिखाता हूँ, इस कार के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये कार है नाज़रीन 2018 का मॉडल, और सितंबर का ये मॉडल है। TRH226 के कैंपिंग कार है, इसका ग्रेड जो है कैंपिंग कार है। इसके चार डोर हैं, और 2700cc है ये। चली जो सी है सिर्फ 10,212 किलोमीटर चली हुई है, और ये ऑटोमेटिक में देखें इसके अंदर ये सोफ़ा बेड चीज़ें लगी हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तक मैं कैमरा का रुख उस तरफ नहीं किया। और अब जो सा है इसको देखना शुरू करते हैं पीछे से कि कैंपिंग कार बनाई गई हुई है, किस तरह की कैंपिंग कार है। तो देखना शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह की कैंपिंग कार है। ये देखें नाज़रीन, तो वैसे ये वैन थी, लेकिन इसको पूरा जो सा कैंपिंग कार में कन्वर्ट किया हुआ है, और ऊपर देखें लाइट्स लगी हुई हैं, और वो अलमारियाँ वगैरह बनाई हुई हैं, ये टेबल है, और ये सोफ़ा, और ये बेड बन जाता है, ये पूरी जगह जो सी है ये पूरी प्रॉपर बेड बन जाती है। और नीचे देखें फ्लोरिंग की हुई है, और इसमें सिस्टम देखें पूरा लगाया हुआ है,
कैंपिंग कार के लिए, ये बाद में बनाई गई है, खुद ही बनाई गई है ये कैंपिंग कार। तो आजकल जो सा है जापान में कैंपिंग कार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग जो से हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ इसी चीज़ में फील करते हैं कि कैंपिंग कार पे, अपनी कैंपिंग कार पे बाहर जाएं और वहाँ पे आउटिंग करें, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक प्लेस वगैरह को अवॉइड किया जा रहा है तो कैंपिंग कार की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा ख्याल है ये कार भी अभी अभी बनाई गई है, ये कैंपिंग कार में आजकल में ही कन्वर्ट की गई है ताकि ये कार की वैल्यू जो सी है बढ़ जाए। और ये देखें, ये है इसका सिंक, यहाँ से पानी पता नहीं आता है कि नहीं, और यकीन है इसके अंदर सिस्टम होगा। फिर ये टेबल छोटा सा बन जाता है और यहाँ पे लाइट्स वगैरह इलेक्ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे चूल्हा एक होना चाहिए लेकिन आप यहाँ पे गैस वाला चूल्हा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अलमारियाँ हैं, ये भी खुद ही बनाई गई हैं। फिर यहाँ पे एक और बेड है देखें, तो इस कार के अंदर वैसे 9 पैसेंजर जो से आराम से बैठ सकते हैं। तो ये है कैंपिंग कार जो खुद ही कन्वर्ट की गई हुई है, ये बनी बनाई नहीं थी, लेकिन अगर आप इसके ऊपर सफ़र करें कितना मज़ा आएगा देखें। अगर इस पे सफ़र किया जाए दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो कितना ही मज़ा आए, क्योंकि बहुत ही खुली है और सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और ये है इसकी खिड़की, फिर कर्टन से आगे जो आगे वाली स्पेस जो सी है सेपरेट हो जाती है, पीछे बिल्कुल अलग हो जाता है, उसके लिए कर्टन लगाए गए हैं, तो आपकी प्राइवेसी को भी इससे महफूज हैं आप, इससे प्राइवेसी भी आपकी महफूज है। तो ये थी बैक से लुक इसकी कैंपिंग कार की। अब वीडियो के एंड पे देखेंगे कि कार आज जापान के ऑक्शन में कितने की सेल होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो नाज़रीन अब चलते हैं ऑक्शन की तरफ और देखते हैं ये कार आज ऑक्शन में कितने की सेल होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें फिर ऑक्शन की तरफ। तो नाज़रीन ऑक्शन में कार सेल नहीं हो सकी, इसका जो सेलर था उसके डिमांड के मुताबिक इस गाड़ी पे बिड नहीं लगी तो उसने सेल नहीं की। तो जापान के ऑक्शन में ऐसा होता रहता है कि कार सेल ना हो, लेकिन इसके जो सेलर की डिमांड थी वो 4.1 मिलियन यन बिड प्राइस है, तो उसके मुताबिक मैंने इसकी मार्केट वैल्यू भी चेक की, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि इसकी मार्केट वैल्यू भी 4.1 मिलियन यन ही है। तो यानी नाज़रीन इसकी जापान में बिड प्राइस है 4.1 मिलियन यन, फिर उसके ऊपर जापान में 10% टैक्स आता है, रिसाइकलिंग फ़ी आती है, ऑक्शन फ़ी आती है, ट्रांसपोर्ट आती है, तो ये टोटल बने तकरीबन 4.5 मिलियन यन। तो इस कार की कीमत जापान में तकरीबन है 4.5 मिलियन यन। तो नाज़रीन अब मैंने इसकी जापान की प्राइस को US डॉलर में, पाकिस्तान रुपी में, इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया है आज के रेट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये कार आपके मुल्क की करेंसी में कितने की पड़ती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक और अच्छी से अच्छी गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन जापान से पहुँचाता रहूँ। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।